आइए चलते हैं। देखिए दूध क्यों रहा है हाथ से? ये देखिए बहुत ही अच्छा केला है। तो हम केला को काट लिए हैं, अब हम चलते हैं घर की तरफ। इस तरह से हम केले को तीन भाग में करेंगे। अगर इस तरह से आप तरते हैं इसका छिलका तो बहुत ही अच्छे से उतर जाता है और बहुत ही आसान तरीके से निकलता है इसका छिलका। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकलता है। केले का छिलका हम उतार लिए हैं, अब हम चलते हैं इसको धोने के लिए। केले को धोने के बाद इसको हम काट लेते हैं। इसको हम बीच से तीन भाग करेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे। इस तरह से हम इसको काटेंगे। ये देखिए इसी तरह से सभी केले को हम काटेंगे। केले को हम काट लिए हैं, अब हम इसमें डालने के लिए हम टमाटर को भी लिए हैं और प्याज लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, अदरक लहसुन इन सभी को भी हम बारीक काट लेते हैं। प्याज को काटने के बाद हम टमाटर को भी बारीक काट लेते हैं। अब हम केले को फ्राई करेंगे, तो इसको फ्राई करने से पहले इसमें हम हल्दी और नमक मिलाते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे। इसमें एक चम्मच दही भी मिलाएंगे। यहाँ पर हम चने का बेसन लिए हैं, इसको भी हम थोड़ा सा डालेंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। ये देखिए इसको हम अच्छे से मिला लिए हैं, तो अब हम इसको फ्राई करेंगे।
फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम आग जलाएंगे। तो चलिए हम आग जलाना स्टार्ट करते हैं। आग को हम जला लिए हैं, अब हम इस पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप किसी भी खाने वाला तेल डाल सकते हैं, सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, इसलिए हम इसमें सरसों का तेल में बनाएंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है, इसको हम दूसरे साइड पलट देंगे। ये देखिए केला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और देखिए इसका कलर चेंज भी हो गया है। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका कलर है। इसी तरह से हम दूसरे केले को भी छानेंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें हम तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग, प्याज को हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम कटे हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डालेंगे। इन सभी को डालकर हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। इसको हम एक मिनट के लिए ढक देते हैं। इसको ढकने से टमाटर हमारा अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए टमाटर हमारा अच्छे से गल चुका है और इसमें हम डालेंगे मसाले। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि पहले ही हम मिर्च डाले थे। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं तो इसमें हम डालेंगे एक गिलास पानी। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए केले को। इसको हम 3 से 4 मिनट तक और धीमी आंच पर पकाएंगे और इसको हम ढक देते हैं जिससे कि अच्छे से हमारा पक जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, थाली हटा कर देखते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सब्जी हमारा बना हुआ है और एकदम ग्रेवीदार बना है। केले की मसालेदार और ग्रेवीदार सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा।
दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।